वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग टुडे। हर संडे के रूल की तरह आज एक लाइफस्टाइल व्लॉग आएगा। हम कहीं घूमने आए हैं, कहाँ घूमने आए हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। तो कहाँ जाने है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब मैं रेडी होता हूँ और एक दोस्त के घर जाना है, वहाँ से उसको उठाना है, फिर हमें वहाँ जाना है जहाँ आपने अभी देखा। बाइक रेडी कर रहे हैं। सो हम लोग निकलने वाले थे सुबह 7 बजे, लेकिन वो प्लान हुआ नहीं। अभी बज रहे हैं 9:30 के करीब, कुछ खाया हुआ तो है नहीं। जाएंगे पहले ट्रैक वेक करेंगे उस जगह पे जिधर का आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है वीडियो, वहाँ जाने के लिए ट्रैक करेंगे, फिर जाके खाएंगे आने के बाद। आपको लगा होगा कि हम भिवंडी जा रहे हैं, बट वैसा नहीं है। हम भिवंडी नहीं जा रहे, हम जहाँ आए हैं वो एक्चुअल में वाटरफॉल है, लेकिन अभी हालत देख के लगता नहीं है कि वाटरफॉल होगा। थोड़ा सेक्लूडेड प्लेस है तो आप मास्क की जरूरत। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यहाँ की ब्यूटी यही है कि आप जब ट्रैक कर रहे हो तो ऐसे चिड़ियों की आवाज़ आती है, एक जगह रुक के ऐसा लगता है यार थोड़ा पीसफुल है, बहुत पीसफुल लगता है। साइड में आके बैठ जाने का मस्त करके एकदम। और हम लोग चल रहे हैं, 1 घंटे से पिछले चल ही रहे हैं, अभी थोड़ा नीचे उतर रहे तो थोड़ा थकान कम है, ऊपर चढ़ते वक्त बहुत थक गया था। सो दिस इज माई फ्रेंड अज्जू। वसई विरार के लोगों को पता होगा ये जगह के बारे में, क्योंकि अभी आपने जितना भी रूट देखा है आप समझ गए होंगे। बट जिन जिन लोगों को नहीं पता, मैं आया हूँ चिंचोटी में और सीन्स कुछ ऐसे है। की कड़ी मेहनत वाली ट्रैक के साथ हम लोग इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। दिस इज़ दी एक्चुअल चिंचोटी वाटरफॉल जो बड़ा वाला है। पीछे से आप मेरे देख सकते हैं एक और रास्ता जाता है, वहाँ हमें नहीं जाना, थोड़ा बहुत ऊपर है, बट देखते हैं। अभी 11:30 ही बज रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो वील सीट थोड़ा चिल करेंगे, उसके बाद अगर प्लान बना तो जाएंगे ऊपर। तो हम लोग कुछ 1-1.5 बजे घर पे आए और खाना खा के डायरेक्ट सो गए। पैर इतना दुख रहा था, सर भी इतना दुख रहा था, काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन हो गया है, बाहर बहुत गर्मी थी। वैसे टाइम पे हमको ट्रैकिंग तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन देखनी थी प्लेस। ये बेसिकली प्लेस इज कॉल्ड चिंचोटी वाटरफॉल, जो नायगांव में पड़ता है। आप नायगांव से जा सकते हो, वसई से जा सकते हो, विरार से जा सकते हो, कहीं से भी बेसिकली। नायगांव जाओगे तो वहाँ जाके आप ऑटो वाले को अगर आप पूछोगे
चिंचोटी वाटरफॉल चलने का, वो आपको छोड़ देगा। तो 1.5-2 घंटे का ट्रैक लगता है चल के जाने के लिए, बाइक से जाओगे तो ईजी पड़ता है। हमने बाइक गए थे, हमारे पास बाइक था इसलिए बाइक लेके गए थे। पूरा सर ऐसा दुख रहा था, अभी भी दुख रहा है क्योंकि धूप बहुत पड़ रही थी, और पैर तो भाई फुल बैंडी बच गए। तो अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है और अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जल्दी ही अराउंड 900 सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाएंगे होपफुली, एंड 1000 भी हो जाएंगे होपफुली। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, तो नीचे लाइक बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय।